डिस्कशन ऑन कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। कंडक्टर और अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट नहीं किए उसकी, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमेशा, ठीक है, मतलब करंट नहीं होगा। सोचते हैं हम, देखते हैं भाई, देखना, लिखना शुरू करो। लिख रही है ना कि स्क्रीनशॉट ही ले रही थी? नहीं लिख रहे। लिखना तो लिखो। मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर, मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टर कैन बी कंपेयर्ड विथ रैंडम मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, कैन बी कंपेयर्ड विथ रैंडम मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, रैंडम मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर। इलेवेंथ में स्टेट्स ऑफ मैटर में आप लोग ये सब पढ़े हुए हैं कि गैस कभी भी स्टैटिक नहीं होता, एक दूसरे मॉलिक्यूल से लगातार उसमें स्टैटिक कोलिजन हो रहा होता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से आकर टकराया, दूसरा तीसरे से जाकर टकराया, तीसरा चौथे से जाकर टकराया, लगातार हो रहा होता है। तो कुछ ऐसा हमेशा ही हो रहा होता है किसी कंडक्टर के अंदर भी। इसके अंदर एक सब हेडिंग बनाइए और लिखिए एवरेज थर्मल स्पीड, एवरेज थर्मल स्पीड। जाहिर सा बात है सारा गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है, मूव कर रहा होता है, तो कुछ एवरेज स्पीड तो आएगा ही ना। तो लिखिएगा इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर, इनसाइड अ कंडक्टर ड्यू टू रूम टेम्परेचर, ड्यू टू द रूम टेम्परेचर। जाहिर सा बात है रूम टेम्परेचर पे चूंकि काइनेटिक एनर्जी मिल रहा होगा, हीट एनर्जी मिल रहा होगा उस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन उस हीट एनर्जी को एज काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा और वाइब्रेट करेगा। जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा वाइब्रेशन, वाइब्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मूवमेंट होगा। अब क्लास नहीं है ना, ये लोग पागल लड़का है। तो एवरेज स्पीड ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर, लिंक नहीं चल रहा था, अब इसको कौन सा लिंक चाहिए? तो पहले से वाइज पे है, इसको लिंक क्यों चाहिए? आवाज आ रहा है फैजान? ठीक अच्छी लिखती है। हमको ही बताओ कि तुम वाइज पे है या नहीं है। लेकिन आप उस टाइम लिंक भेजे तो हमको लगा उस लिंक से फिर से खुलेगा, दो तीन बार हम दावे नहीं खुला, थोड़े ना होता है। पहली बार आप इससे खोल इससे ज्वाइन करवाए, लिंक भेजिए डायरेक्ट। नहीं नहीं ऐसे थोड़े ना होता, लिंक से नहीं, जो हो रहा उससे ज्वाइन करना है तुमको।
खैर चलो, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो। एवरेज थर्मल स्पीड क्या है? तो इट इज एवरेज स्पीड ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर ड्यू टू द रूम टेम्परेचर, ठीक है? और एवरेज ये बहुत समझा दीजिए इसको, नहीं समझ आया। एक सेकंड, एवरेज होता 10^5 मीटर पर सेकंड। देखो हम ये बताए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है जितना ज्यादा हीटेड सराउंडिंग में होगा वो उतना ज्यादा वाइब्रेट करेगा, और जितना ज्यादा वो वाइब्रेट करेगा उतना ज्यादा उसका स्पीड होगा, है ना? मान लो कि हम तुमको थोड़ा ढील देना शुरू किया, तुम और बात करोगे, हम और ढील दिए तुम और बात करोगे, और ढील दिए तो हो सकता है कि अपना क्लास में सीट चेंज करना शुरू कर दो इधर से उधर, उधर से इधर। दिस इज फ्री एनर्जी, और इसकी वजह से एक स्पीड होगा तुम्हारे पास। तो एवरेज स्पीड जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है वो होता है 10^5 मीटर पर सेकेंड। आगे बता क्या रहे, नहीं समझ पा रहे, डायरेक्टली समझ पा रहे। ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ, अब अगर हम मान लो इसको हीट करेंगे, अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा, थोड़ी ना कर देगी वाइब्रेट करेगा वाइब। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे हीटिंग नहीं होता, रूम टेम्परेचर पे अभी कुछ टेम्परेचर नहीं है। अभी मान लो अगर सराउंडिंग टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाए तो रूम टेम्परेचर उसको नहीं बोलेंगे, उसमें भी मॉलिक्यूलर मोशन होता है। मॉलिक्यूलर मोशन सिर्फ 0 डिग्री केल्विन पे, 0 केल्विन पे रुक सकता है, सिर्फ 0 केल्विन पे, मतलब -0 केल्विन पे। हाँ, 0 केल्विन पे रुकता है मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। हाँ, में तो कुछ ना कुछ मूवमेंट हो ही रहा होगा चाहे जितना भी टेम्परेचर हो। -273 डिग्री सेल्सियस पे रुक जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 केल्विन। और अभी तो सोचो 30 डिग्री सेल्सियस है, कितना का डिफरेंस, तू 230 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस मिनिमम एवरेज में अगर बात करें तो सोच लो इतना अधिक टेम्परेचर तो इसमें वाइब्रेशन ही नहीं होगा, अच्छा खासा वाइब्रेशन होगा, और उस वाइब्रेशन की वजह से इसके पास कुछ स्पीड होगा। अब उसी सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज स्पीड निकाले हैं तो इतना आया है अभी, ठीक है? यू एवरेज, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन का कुछ, हाँ एवरेज में सब आता है। नेक्स्ट, ड्यू टू रैंडम मोशन वहां पे मैक्सिमम करता है, जीरो से ड्यू टू रैंडम मोशन द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना भी मूव कर ले बट एवरेज वेलोसिटी कितना होता है, जीरो। सो नो करंट फ्लोज, तो नो करंट फ्लोज एट रूम टेम्परेचर इन कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉन का ना राइट ऑप्शन, हाँ जाहिर सा बात है। अब देखो ना, ये कोई कंडक्टर था, इस कंडक्टर में से एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था और दूसरा कंडक्टर इधर मूव कर रहा है, तो नेट करंट कितना हो जाएगा, जीरो ही होगा ना, हाँ। इतना सारा इलेक्ट्रॉन है कि कोई ना कोई किसी ना किसी के अपोजिट होगा, एक दो इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना है, इतना सारा इलेक्ट्रॉन है कोई ना कोई किसी ना किसी के अपोजिट तो होना ही होना। और इसीलिए बोले कि नो नेट करंट, करंट होगा बट नो नेट करंट फ्लोज इन द कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? अभी तक हम लोग बात कर रहे थे किसी कंडक्टर का एट रूम टेम्परेचर विदाउट अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम लोग बात करेंगे किसी कंडक्टर का रूम टेम्परेचर पे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद क्या फर्क पड़ता है इस बारे में। करंट का फ्लो दोनों में उल्टा होगा, हाँ बिल्कुल, तभी तो नेट करंट जीरो होगा, सिर्फ कंडक्टर में ही होगा, ये नॉन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। नेट नहीं लिखे वहाँ पे, नेट लिखे नहीं लिखे, सिर्फ बात है नॉन कंडक्टर में नहीं होता ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। करंट का फ्लो नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से,
जाहिर सा बात है, बात ही खत्म हो गया, तुम खुद ही पूछे, खुद ही आंसर दे दिए, हमसे क्या पूछते हो। चलो अब हम इसको हटा रहे, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तुम लोग। नेक्स्ट इज बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। नीचे लिखे ना, डालो हेडिंग बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर, डालने को स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अच्छा तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हो, हम साइड करके। ओहो बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर और नीचे। हाँ ठीक है, बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एट रूम टेम्परेचर। कल से क्या करेंगे ना हम, अगले क्लास से तुम लोगों को नोट्स वाला ही भेज देंगे पीडीएफ के फॉर्म में। नहीं और हाँ, ये ठीक रहेगा, हम यहाँ पे फिर वापस समझाएंगे, ओके छाप के रखना तो थोड़ा और जल्दी काम होगा। अरे अच्छा रहेगा, इसमें से भी स्क्रीनशॉट में से लिखना ही पड़ता है। दैट्स इट, ये बोलिए ना कि स्क्रीनशॉट का भी आप टाइम बताइएगा। हाँ दैट्स इट, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। खुद सोचो, देखो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखो ऐसा मान लो एक ऐसा कोई मान लो तुम्हारे पास एक चीज है, इस पे क्या ना बहुत सारा ऐसा 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 डंटा सब निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? डंटा, हर्डल, स्पाइक, कांटा की तरह समझ सकते हो, कांटा की तरह, ठीक है, निकला हुआ है कि टूटा हुआ? निकला हुआ, ठीक। तुम यहाँ से एक बॉल ऐसे गिरा दी, बॉल बॉल गया, एक कांटा से टकराया, दूसरे कांटा से टकराया, तीसरे से, चौथे, पांचवे से टकरा कर घूम रहा, ठीक है। ये पहले का कंडीशन था, पहले भी जब आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाए थे, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट नहीं किए थे, फिर भी तो यही हो रहा था ना, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कोलाइड कर रहा था, यही हो रहा था ना, कोलिजन तो हो ही रहा था लगातार आपस में, पास भी तो सकता है। नहीं ऐसा डेंस नहीं है, जैसा कि हम लोग पढ़े भी थे अभी कि आप इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को किसी कंडक्टर में ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी गैस का मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन, ऐसा हम बोले थे ना, लिखे भी थे। तो वही चीज हम बता रहे हैं कि इस पे स्पाइक्स की तरह निकला हुआ है, आपका एक बॉल आपने छोड़ा, वो छोटा सा बॉल जाकर पूरे स्पाइक, स्पाइक क्या है, हर्डल, इलेक्ट्रॉन क्या है, हर्डल, हर्डल जिससे टकराएगा, रेजिस्टेंस जिसको तुम बोल सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब कि अब आप दोनों, देखो अभी दोनों एंड बराबर पे है, आपने दोनों एंड पे क्रिएट कर दिया, क्या नॉर्मली जैसे समझा रहे थे वो भी समझाएंगे। देखो अब हम क्या किए कि इसको थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया दोनों के हाइट में। तुम क्या अभी मान लो अभी भी वही हालत है, अभी भी यहाँ पे कांटा निकला हुआ हर तरफ, अब तुम यहाँ से बॉल छोड़ोगे तो क्या होगा, बॉल अभी भी टकराएगा इस सब कांटा से रैंडमली, लेकिन जल्दी, लेकिन ओवरऑल मूवमेंट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, इधर से इधर की तरफ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? नहीं अभी, देखो अभी ठीक है, ठीक है। अभी इस पे बहुत सारा ऐसा ऐसा स्पाइक है, कहां गया मैंने, इस पे ऐसा ऐसा स्पाइक है, देखो ऐसा बार बार गायब हो जा रहे हैं। फैजान तुम्हारे में भी गायब हो रहे हैं? हाँ। ऐसा क्यों भाई? अरे कोई भी बोलते है ना तो वो आ जाता है। अच्छा तो उसको पिन करो ना, मेरे को पिन करो, ऑप्शन आएगा पिन चैट करके, उसको पिन कर लो, हम ही रहेंगे चाहे कोई बोले, ठीक है। ऑप्शन कहाँ? देखो वहाँ पे टच करोगे तो आएगा। नहीं आता, देख यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऑफलाइन में तेरे को हम सिखा देंगे पिन चैट कैसे। अभी समझो इसमें हर तरफ से ऐसे कांटा ऐसा हर्डल निकला हुआ है, और
अभी आप यहां से एक बॉल छोड़े, वो बॉल गया एक कांटे से टकराया, इधर गया फिर इधर गया, ऐसे हो रहा, रैंडम मूवमेंट हो रहा है, रैंडम मूवमेंट। जैसे ब्राउनियन मोशन तुम लोग पढ़े थे ना, ब्राउनियन मोशन याद आ रहा है? ब्राउनियन मोशन एक नाइन्थ में पढ़े थे कि जैसे मान लो किसी अंधेरे रूम में, नाइन का बात मत याद, अंधेरे रूम में जब कोई लाइट का रे आ रहा होता है, अंधेरे रूम में मान लो किसी छेद से किसी खिड़की से लाइट का एक छोटा सा रे आ रहा होता है और तुम उसको बहुत ध्यान से देखते हो सनलाइट को, तो देखते हो उसमें बहुत सारा डस्ट पार्टिकल है जो यूं ही पैसिवली मूव कर रहा होता है, याद है? हाँ वो तो ऐसे ही दिखता है ना, ही नहीं क्या, नॉर्मल। हाँ तो वैसे ही मूवमेंट को बोलते हैं रैंडम मोशन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रैंडम हो रहा था, देखो वो डस्ट पार्टिकल ही रहता है कि और कुछ रहता है? डस्ट पार्टिकल ही होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, मान लो यहाँ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन था, इसमें आकर टकराया, फिर इधर गया, फिर इधर जा गया, यहाँ कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन था, फिर टकराया, फिर इधर गया, ऐसे जो मूवमेंट हो रहा होता है ये है रैंडम मोशन। कैसा मोशन है ये? रैंडम मोशन। अब देखो इसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन बस यही पैसिवली किधर भी घूम रहा, कोई ऐसा पता नहीं किधर जाएगा, कुछ मन नहीं, इधर मन उधर घूम सकता है, ठीक है? लेकिन जब हम इस दो एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिए, जब हम इस दो एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिए, इलेक्ट्रॉन अभी भी ऐसे ही मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन अभी भी ऐसे ही मूव करेगा, लेकिन अब अंत में वो इलेक्ट्रॉन तो इधर ही जाएगा, ये बात तय है, टकराएगा लेकिन अंत में इधर ही जाएगा। जैसे ठीक वैसे ही, जैसे मान लो पहले बॉल था, इस पे आप बहुत सारा कांटा निकाले, बहुत सारा कांटा निकाले मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन खड़ा कर दिए, उल्टा ना बोल दिया, उधर पुण्य जाएगा, इधर ही तो जाएगा, अच्छा सॉरी इधर जाएगा, पॉजिटिव से निकला, हाँ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, इधर करंट का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ठीक है? तो अभी मान लो ऐसा है, बट जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दोगे और आप यहाँ से बॉल छोड़ोगे, तो बॉल रास्ता में कितना भी हर्डल क्यों ना आए, इधर आएगा, इधर टकराएगा, इधर जाएगा, बट नेट मूवमेंट नीचे ही की तरफ, समझ गए बात? इलेक्ट्रॉन को ही लेके क्यों समझते हैं, प्रोटॉन से भी तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है एक्चुअली, प्रोटॉन मूव थोड़ी ना करता, जो मूव करेगा उसी का बात करेंगे ना। प्रोटॉन में आप बताएं जिधर करंट का डायरेक्शन होगा उधर ही प्रोटॉन का मूवमेंट होगा, तो कैसे? लेकिन एक्चुअली प्रोटॉन जब मूव ही नहीं करता है तो कैसे उसका डायरेक्शन? वो हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, जब तुम पढ़ोगे लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर, तो वहां एक चीज ये भी मिलेगा कि क्या कहते हैं, होल्स मूव करता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस वहां एक जगह खाली हो जाता है, और जो जगह खाली होता है उसको बोलते हैं होल्स, तो उसका भी बात किया है, वो भी मूव करता, तो वो सब हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, जब पढ़ेंगे तो समझेंगे, मॉडर्न फिजिक्स खत्म होने के बाद वही पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर वीडियो वाले साइड से, और एक साइड से तो हम इसको कंटिन्यू कर ही रहे हैं, ठीक है? वाले वो भी आपने पढ़ाइएगा, सेमीकंडक्टर भी वैसा ही चैप्टर है, जरूरत पड़ा तो हम भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम भी पढ़ा सकते, वही टीचर पढ़ाएंगे जो मॉडर्न नहीं, दूसरा यहाँ हर टॉपिक का अलग स्पेशल टीचर है, आकाश वाले वो भी है उससे भी पढ़ सकते हो, बस वो इतना क्वेश्चन नहीं कराए हैं, उनका भी हम वीडियो भेजेंगे, जो टेंशन नहीं लो, एलन सही बहुत हार्ड क्वेश्चन एक एक करवा देते हैं, एलन वाला क्वेश्चन बहुत कराया है, ये उसका सबसे बड़ा फायदा है, बात हर एक समझ में आता है, और उसमें है कि हल्का सा डिस्टरबेंस गया रही है, पूरा गया वो जो इंग्लिश बोलते हैं, हाँ। ये इंग्लिश का ताकत है, खैर बिहेवियर ऑफ कंडक्टर का रहा तो आदत ही था, हाँ तो चलो इसका हम लोग बात कर रहे हैं, टाइम है नहीं, बायो पे अत्याचार हो रहा है, चलो रहने देते हैं आज के लिए, सिर्फ इतना।